लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर पहला चक्कर तो पूरा हो भी गयो, मिट गयो राधिका की मांग से सिंदूर। जाओ विशाखा, जाओ जाकर चीलो अपनी जिंदगी अपने तरीके से। विशाखा तो अपने म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए गई है। मैं इस घर में सिर्फ अपनी बहन की वजह से और अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वो दादी माँ ने आपके लिए खाना भिजवाया है, जाइए आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। जी। अरे ये तो काफी गहरी चोट लगी, आइए इधर आइए रोशनी में। रुमाल है? जी लाइए। रहने दीजिए ना, खून रुक चुका है। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा कट लग गया। अरे ये तो बहुत गहरी चोट है, एक काम करो, ऑफिस में जो फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा है उसमें बैंडेड है। जी मैं लगा लूंगा। आओ बैठो। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं कुछ ज्यादा नहीं। किस्मत वाले हो तुम, तुम्हारी चोट दिख रही है पर दर्द नहीं हो रहा। अक्सर चोट दिखती नहीं है पर दर्द बहुत ज्यादा होता है। आप खाना खा लीजिएगा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके गुड शॉट विशाखा, आपका पैकअप। थैंक यू सर। स्पॉट मेकअप मुझे दो। पैकअप हो गया ना, चलो। क्यूटीज, मैं क्या सोच रहा था कि तुम अपने पर्सनल स्टाफ क्यों नहीं रखते, मेरा मतलब है जैसे मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, स्पॉट बॉय। इससे क्या होता है कि स्टेटस बढ़ता है, स्टेटस। अच्छा और इनको तनख्वाह कौन देगा? तुम्हारा हस्बैंड, आई मीन उससे तुम पैसे ले लेना और स्टाफ को दे देना। तहलका मचा देगा। बट सर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये एल्बम इंडिया में रिलीज ना हो, मैंने इससे कहा था, पहले से कहा था। हाँ सर मैंने बोला था ना आपको, अब एक बार कह दिया ना तुमसे कि ये इंटरनेशनल मार्केट का एल्बम है। बस बस सर आपने कह दिया उतना काफी है। भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि अगली फिल्म में हीरोइन तुम ही होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। विशाखा, विशाखा, मैं कहता हूँ विशाखा, तुम इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए बनी हो, नहीं? क्या? सर आप कह रहे थे कि ये एल्बम इंडिया में रिलीज नहीं होगी। तो सर लेकिन कल ही आप। मुझे धंधे से मतलब है, वो कंपनी इतना पैसा दे रही है और इतनी पब्लिसिटी कर रही है, अब ये एल्बम तो इंडिया में रिलीज करना ही पड़ेगा। चोट कैसी है अब? जी बेहतर। अच्छा हुआ राधिका जी ने घाव साफ कर दिया,
बहुत घबरा गई थी वो। उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। तो तुम तो पहले से जानते हो ना उसको, राधिका को? जी, दरअसल मेरा उनसे विवाह होने वाला था। पर ऐन वक्त पर राधिका जी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सबसे कहा कि वो कान्हा से विवाह कर चुकी है और खुद को कान्हा की ही ब्याहता मानती है। तब मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा भी आया, पर फिर जब वो मुझे मंदिर में मिली और मुझसे माफी मांगी, तब मुझे उनकी सारी बात समझ में आई और मेरे मन में जो उनके लिए गुस्सा था वो खत्म हो गया। आज जब मैंने उनकी सूनी मांग देखी तो मुझे ये सोच के बहुत खुशी हुई कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार है। देव बाबू, देव, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। मुझे कुछ काम था और बाहर जाना था, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं जा सकता हूं? देव? हाँ? जी, छुट्टी चाहिए थी। हाँ, ठीक है। जी, धन्यवाद। हेलो, पैकअप्स हो गया, निकलो। पूरा मेरा पूजा का सामान? वो सब छोड़ के देखो। पूजा का सामान? पॉट, मैडम का पूजा का सामान लाओ। ये क्या, पैसे मिल गए? हाँ, ये मेरे 5 माने 20। बस 20,000 रुपए? क्या कहा, बस 20,000? क्यूटीज, तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता भी है? यहाँ लोग 5,000 रुपीज के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तुम्हें तो फिर भी 20 मिल रहे हैं। अगर एक म्यूजिक वीडियो के लिए सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे तो मुंबई जाने से पहले कितने सारे म्यूजिक वीडियो में काम करना पड़ेगा। क्यूटीज, तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम्हें लगता है कि ढेर सारे म्यूजिक वीडियोस करने से तुम मुंबई जाने का और वहाँ रहने का खर्चा निकाल लोगी? हाँ। नंदी बैल, वहाँ रहने के लिए ढेर सारा मनी चाहिए, ढेर सारा, और उसके लिए तुम्हें अपनी पुरोहित खानदान की तिजोरी चाहिए। टेल्स मी, उसका सब क्या चल रहा है? मेरा मतलब है, मैं कब तक मुंबई में स्ट्रगल करके तुम्हारा वेट्स करता रहूंगा? पूरब, घर वाले तो सारे मुट्ठी में आ गए, पर पैसों के लिए चाहिए वारिस और वारिस के लिए चाहिए पति। पति? अरे हस्बैंड से तुम्हारे पास है ना? वो तो मुझसे दूर दूर रहता है, हमेशा दूर दूर। क्यूटीज, उसे पास पास लाओ, वरना तुम्हारा सुपरस्टार बनने का ड्रीम्स दूर दूर होता जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, लगता है अब कुछ धमाकेदार करना पड़ेगा। पूरब, मैं एक अच्छी बहू तो बनी गई हूँ, लगता है अब एक अच्छी पत्नी बनने का वक्त आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना उस दिन की तरह मृणालिनी भाभी की तरह कोई और आ टपकेगा। अरे मेरा पूजा का सामान। स्पॉट, मैडम का पूजा का सामान दो यहाँ। दादी माँ, ऑफिस से कब आई? दादी माँ, काफी देर हो गई है। खाना खाया केशव ने? नहीं दादी माँ, मैं वहां लगा कर आ गई थी। सच, कितना ख्याल रखती हो तुम सबका। जब से तुम यहाँ आई हो एक दिन ऐसा नहीं गया कि मुझे अपनी दवा समय पर ना मिली हो। तुम्हारी जिससे भी शादी होगी ना, वो बहुत भाग्यशाली होगा। तुम बहुत ही अच्छी पत्नी साबित होगी। दादी माँ, फल काट दूँ आपके लिए? नहीं। दादी माँ, एक सेब तो खा लीजिए। अच्छा भाई, दे दे। अरे, छोटी बहू नहीं आई अब तक? आज तो कल से भी ज्यादा देर हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, बिरजू से कहती हूँ कि उसे मंदिर से ले आए। नहीं दादी माँ, वो मंदिर से निकल चुकी होगी।
और बिरजू जी अगर यहाँ से जाएंगे और उन्हें मिल भी नहीं पाएंगे, खामखा परेशानी हो जाएगी दादी माँ। ये बात भी है। लीजिए दादी माँ। लो। बात हो रही थी और आ भी गया। देव भी आ गया? नहीं, वो काम करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछ लूं, कोई काम तो नहीं है। हाँ, काम तो है। तो बताइए ना दादी माँ। वो क्या है ना कि जब से राधिका यहाँ आई है उसने दिल्ली देखी ही नहीं है और ना ही तुमने देखी है, तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों जाओ और थोड़ा दिल्ली घूमाओ। नहीं दादी माँ, मुझे यहाँ घर पर बहुत काम है। बेटा काम तो होता रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ अभी घूमने। बात नहीं मानोगी दादी माँ की? नहीं दादी माँ। ये सब दिखावा है ना, फल जूस फ्रूट दवाई। दादी माँ ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ जल्दी से तैयार हो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकालने के लिए अब। अरे केशव बेटा, तुम ही कह दो ना ड्राइवर से। जी, मैं गाड़ी के पास इंतजार करूंगा। थैंक यू दादी माँ। किस लिए? वो दिल्ली दर्शन के लिए। हाँ, दिल्ली दर्शन के लिए। मैं गाड़ी के पास इंतजार करता हूँ। ठीक है, बड़ी देर लगा दी। मैं अब भी राधिका से पूछ रही थी कि छोटी बहू आई कि नहीं। आओ मेरे पास बैठो, मैं विष्णु पुराण पढ़ रही थी, अब थोड़ी देर तुम पढ़ के सुनाओ। हाँ, बुढ़ापे में ज्यादा देर आंख गड़ा के पढ़ो ना, सर दुखने लगता है। जी दादी माँ, कहाँ से पढ़ूं? अच्छा रहने ही दो, आज जितना पढ़ लिया उतना ही काफी है। वैसे भी मैं जो भगवान के पास मांग रही हूँ वो तो मुझे मिल ही रहा है। एक बार इस घर में एक नन्ही सी जान की खिलखिलाहट गूंजे तो बस, मैं तो सब कुछ तुम्हें सौंप के चार धाम की यात्रा पे निकल जाऊं। फिर तुम ही संभालना ये घर, ये मंदिर, ये ट्रस्ट, ये तिजोरी, सब कुछ, है ना? चाहती तो मैं भी यही कि आपको जल्दी से पर दादी बना दूं, पर आपका पोता कहां मान रहा है। क्यों? तुम्हें हमेशा ऐसे लगता है कि मुझे दूसरों को परेशान करने का शौक है। मेरी परेशानियां दिखाई नहीं देती ना तुम्हें? हर सुख मिला है तुम्हें यहाँ, शिकायत किस बात की है? मिस्टर विवेक पुरोहित, ना तो तुम मुझे शादी का सुख दे सकते हो और ना ही वारिस। सबको दिखाई देता है कि विवेक कितना परेशान है। अरे मैं ही शादी देखो चू क्या? तो तोड़ दो इस शादी को, तोड़ दो इस शादी को। तलाक दे दो मुझे, दे दो मुझे। तुम्हें एक अपाहिज आदमी के साथ लंगड़ा लंगड़ा कर चलने की कोई जरूरत नहीं है। और घर वालों की फिक्र मत करना, उन्हें मैं समझा लूंगा। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें समझाने की जरूरत ही ना पड़े। इसके मन में तलाक की बात आई कैसे? अचानक इतनी बड़ी बात कह दी। अब इससे पहले कि ये कुछ करे, मुझे विशाखा का असली चेहरा घर वालों के सामने लाना ही होगा।
वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अरे देव भैया, आप आ गए, हम चाय ले आए आपके लिए। लाइए लाइए, सामान दीजिए। ये क्या है? रघुवीर पंडित आए थे वृंदावन से, बाबूजी ने उनके हाथों बांके बिहारी का प्रसाद भिजवाया। राधे राधे। अच्छा तो हम सब में बटवा देते हैं इसको, हैं? रजू, ये प्रसाद राधिका को भी देना। जी भैया। राधिका, अरे बिरजू भैया, राधिका कहाँ है? शाम की चाय। अरे आप आ गए? आप बैठिए भौजी, हम चाय भी भिजवा देते हैं। पर राधिका है कहाँ? जी वो तो केशव के साथ गई हैं। केशव के साथ? हाँ वो दादी माँ ने भेज दिया उन दोनों को कि दिल्ली घूम आए। आप थक गए होंगे, ऊपर चल के फ्रेश हो लीजिए। हम चाय भिजवाते हैं। आज आपका दिन कैसा गया? अच्छा ना? बहुत काम था क्या ऑफिस में? तो क्या कल भी जल्दी जाना है आपको? हाँ। अच्छा चलिए। क्या हम घर वापस जा सकते हैं? संध्या बाती का समय हो रहा है और अगर मैं शाम की आरती ना करूं तो मन को अच्छा नहीं लगता है। और पता नहीं किसी ने तुलसी के आगे दिया रखा होगा कि नहीं। हम वापस चलते हैं ना? ड्राइवर भैया, आप गाड़ी मोड़ लीजिए, हम घर वापस चलेंगे। बस हो गया देवकी जी। देवकी जी, मैं प्रातः से ही देख रहा हूं कि आप खोई खोई सी हैं, चिंतित हैं। यदि मन में कोई चिंता है, कोई समस्या है तो हमें बताइए, हम विचार विमर्श करके उसका समाधान ढूंढ लेंगे। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं राधिका के बारे में सोच रही थी। उसने अपनी मांग से सिंदूर क्यों हटा दिया? देवकी जी, राधिका एक बुद्धिमान लड़की है। उसने जब अपनी मांग में सिंदूर लगाया था तब भी मैंने उससे कोई प्रश्न नहीं किया, और आज जब उसने मांग से सिंदूर हटा लिया है तब भी मैं उससे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। मीरा भी कृष्ण भक्त थी, उसके पश्चात भी उन्होंने राणा जी के साथ प्याता जीवन निर्वाह किया। राधिका समझ गई है कि भक्ति निभाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है, बस इसमें चिंता का विषय क्या है? देखिए जी, जी इधर देखिए मेरी ओर। आपके मन में कुछ और भी है जो आप मुझसे छुपा रही है। नहीं जी, मैं तो बस। देवकी जी, हमारे विवाह को इतने बरस बीत गए, बताइए क्या चल रहा है आपके मन में? अरे ओ बहुरिया, अम्मा जी का दूध तो रह गया जी।
ड्राइवर भैया जल्दी कीजिए ना, बहुत देर हो रही है, देखिए अंधेरा होने वाला है, घर भी तो जाना है। राधिका जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। देव बाबू, घूमा है दिल्ली? जी। कैसा लगा? जी बहुत अच्छी। आज तो तुम जल्दी फ्री हो गए थे ना, मेरा मतलब है तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो गया था, तो मुझे लगा कि तुम उससे मिलने गए होगे जिससे तुम प्यार करते हो, आई मीन जिसके लिए तुम दिल्ली आए हो। तुमने बताया था ना मुझे? वहीं तो गया था। राधिका जी वही लड़की है जिनके लिए मैं दिल्ली आया। मैं उन्हीं से प्रेम करता हूं। और उन्हीं से शादी भी करना चाहता हूं।